अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बड़ी की बहू होने के नाते हमारी बात का मान रख लीजिए, मान नहीं तो कम से कम अरजी स्वीकार कर लीजिए। आप लोगों के ऊपर कोनो बोझ नहीं होगा, कोनो बोझ। हम उनको अपने कमरे में रख लेंगे, उनका सेवा चाकरी सब करेंगे, हमको नौकर चाकर का भी जरूरत नहीं है। एरो, ये हमारे कमरे में नहीं रही, हमारे कमरे में इसे रहने की इजाजत नहीं है। संजीव जी, हमारे साथ चलो, गेस्ट रूम तैयार करना है, गेस्ट रूम में रहेगी। अरे दादा ये संजीव, चलो। राजीव बाबू थैंक यू। ये लड़की इस घर में कयामत ले आएगी। मुझे भी इसी बात का डर है दादा, और आप सही हो। देखिए वो लड़की रिया इस वक्त हमारे इस घर में, और वही वो नटवर सिंह इस वक्त वहां उस जेल में। इन दोनों के बीच में इस घटना को लेके कोई तो कनेक्शन है। हम तो बीते हुए अतीत को याद कर करके कांप रहे हैं। एक पल राजीव किरिया से शादी होनी थी, और दूसरे ही पल उस हादसे की वजह से शादी तो नहीं हो पाई थी, लेकिन राजीव और रिया का जोड़ा था बहुत सुंदर। हमें डंक मारना बंद करो, और इस वक्त ये सोचो कि रिया नाम की इस मुसीबत का इस घर में आना और नटवर का जेल में होना, ये महज इत्तफाक है या फिर आने वाले किसी तूफान का संकेत तो नहीं? उस हादसे के बाद राजीव पर जो गुजरी थी वो सब दर्द फिर से लौट रहा है। ये क्या कर रही है टा? बुआ जी वो अच्छा पहले ही बताइए कि हल्दी वाला दूध में दालचीनी पड़ता है कि वो जायफल? किसके लिए? रिया जी के लिए। तबीयत ठीक नहीं है ना उनका? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा को? अरे मतलब सांप को दूध पिलाने चली हो तुम? इतना सब सुनने के बाद भी तुम्हें होश नहीं है क्या? अरे बेवकूफ लड़की, सौतन को शह दे रही हो तुम, सौतन को। दिमाग लगाओ थोड़ा। वजी गलत समझ रही, वो सब पुराना बात हो गया ना। आज तो राजीव बाबू की पत्नी हम हैं, और यह जी तो केवल मेहमान है, वो भी लाचारा बीमार। समझती क्यों नहीं हो कू? तुम्हें रत्ती भर भी अंदाजा है राजीव के अतीत में उस लड़की ने क्या कहर ढाया था? राजीव के मन में गिरा हुआ एक काला साया थी वो लड़की। काला साया? हाँ। मैंने चलो मेरे साथ। कहाँ? उस अतीत को देखो अपनी आंखों से। चलो मेरे साथ। हटो सामने से। यकीन करो मेरा राजीव, मैं चंदेल भवन आ रही हूं,
इसका मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। I just didn't know। मैं या किसी मकसद या बुरे इंटेंशन से नहीं आई हूँ। Please trust me। In fact, मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। Shut up! Just shut up! तुम यहाँ सिर्फ कुहू की मेहमान हो और कुहू हमारी पत्नी है। सिर्फ और सिर्फ कुहू के कारण हम तुमको बर्दाश्त कर रहे हैं रिया। I'm sorry, राजीव। मुझे तुम प्लीज माँ। एक शब्द भी और बोला ना रिया, इस घर के बाहर फेंकवा देंगे तुमको। हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नाते रिश्ते नहीं, कोई लेना देना नहीं है हमारे बीच। हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है और ये तुम ना अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना रिया। अंडरस्टूड? यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। संजीव बस अब कुछ मत कहिएगा, जो हुआ, जो आपने हमारे दादा के साथ किया उसके बाद रहम किया, हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। आज भी वो दिन याद करते तो हम क्यों किया रिया तुमने ये, क्यों छोड़ के चल? क्यों छोड़ के चले गए हमको? दादा दरवाजा खोलिए। राजीव बेटे दरवाजा खोलो। राजीव दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो दादा। दादा दरवाजा खोलिए दादा। क्यों छोड़ के गए रिया? क्यों राजीव? अरे लगता है कुछ हुआ, कहीं इसने कुछ कर तो नहीं। अरे तोड़ो दरवाजा दादा, दरवाजा तोड़ो, दरवाजा तोड़ो, अबे दरवाजा तोड़ो, तोड़ो दरवाजा। राजीव क्या हुआ है? दादा आदेश उठाओ से दादा। राजीव को छोड़ दो जल्दी। हे मां भवानी रक्षा की उसकी। मुझे बताओ ना सही है क्या, इस तरह से किसी को छोड़ के जाना सही है क्या? ऐसा जी तू बोल ना, क्या इसको बोलते हैं क्या बोलना? दादा संभालिए अपने आप को। अरे हमारे अंदर पर को और अंदर करके गई, एक बार भी फर्क। संजीव प्लीज प्लीज सिर्फ एक बार मुझे अपनी बात तो कह लेने दो। बात? क्या बात? चलो भाई हो गई रिहाई। अरे भैया केस ही गलत निकला, आरोप बेबुनियाद और मामला हो गया खारिज। जाओ अब मैं इसका पीछा करके रिया का पता लगा लूंगा। ये दरवाजा पिछले 3 सालों से बंद है बेटा, बंद इसलिए है कि इस अतीत के दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा बंद है जो वर्तमान को बर्बाद कर देगा।
देख रही है इस कमरे को, इसकी सजावट को, ए, राजीव बाबू और रिया। रिया और राजीव के प्रेम की छवि अंकित है। दोनों ने मिलकर सजाया था इस कमरे को, ये सोचकर कि ब्याह के बाद ये इन दोनों के प्यार का घरौंदा बनेगा। दोनों ने मिलकर एक साथ अपने भविष्य के सपने संजोए थे और फिर अचानक रिया राजीव को छोड़कर चली गई। धोखा नहीं, हादसा था। 3 साल पहले मैं राजीव को उसकी आंखों की वजह से छोड़ के नहीं निकली थी। राजीव की बारात आने को थी, लेकिन उस दिन बारात थी। एक खबर है कि एक एक्सीडेंट हो गया, राजीव की आंखें चली गई। मैं घर से निकलने ही वाली थी कि मेरे घर वालों ने मुझे कैद कर दिया, मुझे राजीव से मिलने नहीं दिया गया। मुझे बताया गया कि चंदेल परिवार पर एक श्राप लगा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। तुम्हारे कुल में अगर किसी की शादी हो तो द्वार रुकाई से पहले दुल्हन डोली से अर्थी में गिर जाए। और अगर मेरी शादी राजीव से हुई तो मेरी बर्बादी होगी, मौत हो जाएगी मेरी। और विराज ने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। ट्रस्ट मी संजीव, राजीव तुम्हारी बात सुनता है। संजीव प्लीज प्लीज उसे एक बार बात करो ना, मेरे लिए उसे कहो ना कि जाने से पहले मैं उससे बस एक बार मिलके माफी मांगना चाहती हूँ, सॉरी बोलना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल है, जिस तरीके से आप छोड़ के गई थी उन्हें, उसके बाद बहुत गहरी चोट लगी थी उन्हें। आपके आने से वो चोट फिर ताजा हो गई। हमें नहीं लगता कि वो किसी की भी सुनेगी, और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आप समझी, हम सब रिया के खिलाफ क्यों हैं? क्यों तुझको उसकी मदद करने से रोक रहे थे? आप समझ में आया तुझे? बहुत प्रेम था लगता है। क्या ये देखिए ना बुआ जी, ये सब देखे तो यही लगता है ना कि कछुए का प्रेम था। नहीं बुआ जी, ये कमरा उनके प्रेम की गवाही दे रहा है। कुहू प्रिया के जाने के बाद राजीव कितने दिनों तक इस कमरे में आकर रिया के लौटने का इंतजार करता था, फिर अचानक एक दिन उसने ये कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। वक्त के साथ साथ उसके घाव कुछ कुछ तो भर गए, पर आज जब रिया वापस आई है ना, तो ये घाव उसके फिर से हरे हो गए हैं। तू डरती हूँ कि कहीं वो जख्मों के रास्ते से राजीव के दिल में ना उतर जाए बेटा। अगर वो यहाँ रुक गई ना तो। नहीं बुआ जी, हमको अपने सुहाग और राजीव बाबू पे पूरा भरोसा है, उतना भरोसा जितना हमको अपने भोले बाबा की भक्ति पे है। राजीव बाबू तो खुद रिया जी को यहाँ से भेजना चाहते हैं, और रिया जी को भी हम पहचान गए हैं, वो ऐसे नहीं है। वो हमारे सुहाग पे डाका नहीं डालेंगी, और राजीव बाबू तो उन पे तो हमें अपने साथ से भी ज्यादा भरोसा है। इंसान के दिल का क्या भरोसा, एक हादसे से बंद होता है तो दूसरे से खुल भी जाता है।
कभी रोता है तो कभी रुलाता है। वाला दूध पी लीजिए, राहत मिलेगा। जब से उरी कभी बताए नहीं आपके और रिया जी के रिश्ते के बारे में। ईद के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते। इसको इस वक्त अकेला छोड़ दो हमें। आपको गुजरा हुआ समय सता रहा है। और हम जानते हैं आपको अपने संकल्प से कोई हिला नहीं सकता और ना ही तोड़ सकता है। राजीव, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे बस तुमसे माफी मांगनी है, अपने हिस्से का सच बताना है तुम्हें। You know what, Riya? हमें ना तुम्हारा साथ झूठ कुछ भी नहीं सुनना। जानना होगा राजीव, वरना तुम एक झूठ को जीते रहोगे। मुझे तुम्हें इस झूठ से आजाद करना है। सुनाई नहीं देता तुमको? क्या कहा हमने? हमें कुछ नहीं सुनना है। अरे सुनना तो दूर, हमें तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। मत करो रिया, चली जाओ यहां से, वरना। वरना क्या? देखा ना तूने बेटा, गुजरे प्यार की तपिश राख में सुलगते अंगारे की तरह होती है। अभी जो भी हुआ ना, वो संजोग था। संजोग को बिसरे प्यार में बदलते वक्त नहीं लगता, इसीलिए कह रही हूं सतर्क हो जा।
उसका साथ देकर ना तो अपनी बर्बादी बुला रही है और कुछ नहीं। दूर रहो हमसे। ये तो खाना पड़ेगा, खाइए खाइए। नहीं ऐसे ही आप बहुत सारा दवाई खा रहे हैं, खाली पेट में दवाई नहीं खाया जाता है, थोड़ा तो और खाना पड़ेगा, खाइए। नहीं को बस हो गया, खाइए 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 आप। ये जूस भी पीना है आपको, पी लीजिए। बस हो गया ऐसे कैसे। अच्छा अच्छा फल खा लीजिए, दो चार फल खा लीजिए आप। जूस बस और नहीं, भर गया। अरे थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, चलिए चल के आराम कीजिए, चलिए कोई बात नहीं। रुको, अभी इसके आराम का नहीं, यहां से निकलने का वक्त हो गया। चंद घंटों में तुम्हारी फ्लाइट है, एयरपोर्ट के लिए रवाना होना। तुम्हारी टिकट भी रेडी है, हम खुद आएंगे तुम्हें छोड़ने। राजीव बाबू आप जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के बारे में सोच के कर रहे होंगे, पर इंसानियत के लिए एक बार तो रिया जी के बारे में सोच लीजिए।